नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंदन कुमार है और मैं आप सभी को अपने नेशनल एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सीटेट का तैयारी बड़े मन से कर रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की, तो इस वीडियो में सीटेट फरवरी 2016 का पेपर वन सॉल्व करने वाला हूँ और जो सेक्शन सॉल्व करने वाला हूँ वह है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहती है, इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने मित्रों के पास शेयर कर दे और जो दोस्त पहली बार हमारे नेशनल एकेडमी चैनल पे हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए जिसके माध्यम से आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के पहले नंबर सवाल से इस वीडियो को। तो आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, आपका पहला सवाल, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इन्हें शिक्षक द्वारा ब्लैंक्स के रूप में देखा जाना चाहिए। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, समस्या, संसाधन, बाधा, परेशानी। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो यहां पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन जो दो देख रहे हैं, संसाधन बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां के बारे में बताना है आपको, आप किस रूप में देखते हैं। मैं सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ने वाला हूं क्योंकि जब सारे ऑप्शन को पढ़ता हूं तो समय ज्यादा लगता है और वीडियो लंबा चला जाता है। तो आप ही के द्वारा कॉमेंट में आता है कि सर सारे ऑप्शन को ना पढ़ें जिससे वीडियो लंबा ना हो, तो मैं यहाँ पे सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ने वाला हूँ। आप सबसे पहले प्रश्न को समझेंगे दोस्तों, उसके बाद आप सही आंसर पे जाएंगे। अगर वीडियो आपको फास्ट लगता है तो वीडियो को रोककर फिर आप अच्छे से प्रश्न को समझकर आंसर देंगे, फिर आप बढ़ाकर देख सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न का मैं सही उत्तर आपको बताता हूँ। तो शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ जो आप है वह उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, यानी ऑप्शन दो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रश्न को लेकर, ब्लैंक्स के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। आपको बताना है यह जो कथन है किनके द्वारा कहा गया है, यानी यह जो सिद्धांत है की रचना किसने किया है। तो मैं बता दूं यहां जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन थ्री यानी प्याजे होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना। ऑप्शन दो है यहां पे सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग पांचवा नंबर का जो प्रश्न है, इंग्लिश में भी सेक्शन चल रहा है, देखेंगे अगर कोई परेशानी होगी तो आप देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनके लिए भी अच्छे हैं। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। आपको बताना है यहाँ पे सही आंसर क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, यानी ऑप्शन तीन सही होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें उसे ग्रहण किया है। तो यहां पे जो आंसर होगा समस्या है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते समय और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः स्थापित नहीं करते हैं, सॉरी उत्पादित नहीं करते हैं यहाँ पे, यानी ऑप्शन दो यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, थोड़ा सा पीडीएफ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे से देख रहे हैं। आइए सेवन नंबर प्रश्न को देखते हैं, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र स्थिर रहता है, औनत होता है, समान रहता है या बेहतर होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों वह होगा बेहतर होता है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह ब्लैंक्स नमूने का अनुगमन करती हैं। यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ऑप्शन जो तीन है वह बिल्कुल सही होगा। आप एक टारगेट लेकर चलें कि आप जब एग्जाम देने जाते हैं सीटेट का, तो 150 अंक का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आप कोशिश करें 100% आप कोशिश करें कि 120 यानी 120 अंक जरूर लाएं। अच्छा मार्क्स होता है 120। आइए मैं आप प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से कि आप जितने वीडियो हमारे लोग देखते हैं, जितने हमारे चाहने वाले हैं और जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं सीटेट का, अच्छा खासा उनका नंबर आए। मैं भगवान से ही आपके लिए दुआ करता हूँ। आइए देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? 9 नंबर प्रश्न। तो विकास के लिए उचित है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, यानी ऑप्शन जो पहला है बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अभी तक आप हमारे नेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो नेशनल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। आज जो दोस्त अभी तक भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं तो कृपया कर एक लाइक कर दे, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों प्रतिदिन नए नए वीडियो बनाने का। आइए देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? आप देखते हैं कि हर एक व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। तो व्यक्तियों में विभिन्नता जो होती है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनियोग संक्रियाएं के कारण होती हैं, यानी ऑप्शन जो दो हैं वह बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आराम से वीडियो करवा रहा हूँ, कोई ज़्यादा फास्ट वीडियो नहीं चल रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी बच्चों। आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, 11 नंबर का जो प्रश्न है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार ब्लैंक्स भूमिका निभाता है। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार जो है वह मुख्य भूमिका निभाता है दोस्तों। यहाँ पे जो ऑप्शन दो है वह बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग अब। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो सही मिलान वाला जो जोड़ा है वह मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, यानी ऑप्शन जो 4 है यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 13 नंबर पर का प्रश्न, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह ब्लैंक्स किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? ऐसा भी आप जानते हैं धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो कारण यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन दो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन दो सही होगा। 14 नंबर प्रश्न, पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से ब्लैंक्स में भिन्नता होता है बजाय ब्लैंक्स के। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्नता और बजाय मात्रा की, यानी ऑप्शन दो यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता का उदाहरण है 15 नंबर का प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वह अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग अगले प्रश्न को, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, आपको बताना है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोस्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वह सही होगा। आगे बढ़ते हैं
कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं? 17 नंबर का प्रश्न का सही आंसर होगा नैतिक विचार के चरण। कोहल वर्ग ने नैतिक विचार के चरण को प्रस्तुत किए हैं। अभी तक आप हमारे नेशनल एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हमारे नेशनल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। और जो दोस्त अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं तो कृपया कर वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि एक लाइक से बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, एक ही लाइक से आपका मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। और मैं भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, हमेशा प्रार्थना करूँगा, जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वह सीटेट एग्ज़ाम जब देने जाएं 120 कम से कम मार्क्स प्राप्त करें। 150 अंक का एग्ज़ाम होता है सीटेट का, जिसमें आप 120 प्राप्त करते हैं तो अच्छा मार्क्स होता है। आइए देखते हैं बिना टाइम गंवाए अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन दो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न को देखेंगे, 19 नंबर का जो प्रश्न है, बुद्धि है एक अकेला और जातीय विचार, दूसरे का अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता या सामर्थ्यों का एक समुच्चय। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दोस्तों, सामर्थ्यों का एक समुच्चय बिल्कुल सही होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन ब्लैंक्स काल है? तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो काल है अति संवेदनशील है। ऑप्शन दो यहाँ पे सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियां जैसे व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी। आपको बताना है यह टिप्पणी किसको प्रदर्शित कर रही है, यह प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियां जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी क्या प्रदर्शित कर रही है? तो यह भेदभाव लड़के और लड़कियों में भेदभाव को रूढ़िबद्ध धारण को प्रकट कर रही है। ऑप्शन जो दो है वो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। क्लास में इस ढंग का शिक्षा हमें नहीं देनी चाहिए। अगले प्रश्न को देखेंगे, कोई भेदभाव नहीं करनी चाहिए, अभी जब क्लास में जाएं पढ़ाने तो कोई भेदभाव ना करें, सारे छात्र हैं। आइए देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न, आकलन। आपको बताना है आकलन के बारे में, आकलन क्या है। तो मैं बता दूं, आकलन सीखने में सुधार का एक अच्छा तरीका है। यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन तीन, सीखने में सुधार का एक तरीका है। आगे बढ़ते हैं, बहुत आराम से मैं वीडियो आज करा रहा हूँ, प्रतिदिन की भांति उतना तेज आज का वीडियो नहीं है, रात के 2 बजे यह वीडियो बना रहा हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मुझे कुछ आंख भी लग जा रही है दोस्तों, माफ कीजिएगा अगर कुछ लेट हो रहा है तो, क्योंकि रात 2 बज रहे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन बहुत खुशी होती है, आपके लिए जाकर वीडियो बनाता हूँ, बहुत खुशी होती है। चलिए देखते हैं 24 नंबर का जो प्रश्न है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, चार ऑप्शन है सभी को, पहले आप प्रश्न को समझेंगे, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, उसके बाद आप सही आंसर पे जाएंगे, सारे ऑप्शन को पढ़ के समझेंगे
फिर आप सही आंसर बताएंगे दोस्तों, आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे। एग्जाम हॉल में भी आप कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आपको काफ़ी समय मिलता है तो आप जल्दबाजी नहीं करेंगे। हाँ, आप टाइम मैनेज करने के लिए भी सीखेंगे। आइए मैं इसका सही आंसर आपको बता दूं। इसका सही आंसर होगा, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। यानी ऑप्शन जो पहला है वह बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। पच्चीस नौ का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निरोगता की पहचान करता है? सारे ऑप्शन आपके सामने। यहाँ पे जो आंसर होगा, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना यानी मूड स्विंग। ऑप्शन चार बिल्कुल सही होगा 25 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, माफ कीजिएगा कोई गलती हो रही होगी तो, वीडियो लेट हो रहा होगा तो। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा नींद आ रही है दोस्तों, आज तीन वीडियो बनाना था आप लोगों के लिए। कंपटीशन क्लास यानी जो बैंकिंग रेलवे एसएससी का तैयारी करते हैं उनके लिए वीडियो बनाना था, इसके कारण लेट हो गई आज। 26 नंबर का प्रश्न आपके सामने, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ऑप्शन जो तीन है वह बिल्कुल सही होगा। सीखना 27 नंबर का जो प्रश्न है, बताना है आपको सीखना के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन जो तीन है वह बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला जो प्रश्न है 28, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को बताना है क्या करनी चाहिए? 28 नंबर का प्रश्न सही आंसर होगा, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे जो तीन है वह बिल्कुल सही होगा। 28 नंबर का जो प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर का प्रश्न को देखेंगे हम लोग। इंग्लिश में भी है सेक्शन, देख रहे हैं दोनों, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों चल रहा है, जिसमें आपको अच्छा लगे आप बता सकते हैं। आइए 29 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियाबद्धता का क्या अर्थ है? तो सक्रियाबद्धता का अर्थ है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। ऑप्शन दो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। 30 नंबर का प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। चार ऑप्शन है, सारे को पढ़ेंगे सही आंसर पे तब जाएंगे। किसी प्रश्न में आपको डाउट लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उसके सुधारने की कोशिश करूंगा। ऐसे में 100% कोई डाउट न लगे आपको, वीडियो बनाता हूं। अगर किसी कारणवश या कोई गलती हो गई होगी तो आप बताएंगे, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। ऐसे में हमेशा आपको बेहतर देने की कोशिश करता रहता हूँ। तो अभी तक हमारे नेशनल अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं दोस्तों, तो मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, हमारे नेशनल अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और जो दोस्त अभी तक लाइक नहीं किए हुए हैं कृपया करें लाइक कर दें। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा अपनी रुचि से, यानी ऑप्शन जो दो है वह बिल्कुल सही होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, आनंद रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।